नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार का मूड माहौल कैसा है, आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, खबरें कौन कौन सी हैं और उन खबरों का बाजार के ऊपर इम्पैक्ट होगा क्या। और आज की चर्चा में हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं अनुज गुप्ता IIFL सिक्योरिटीज के, प्रीतम पटनायक है एक्सिस सिक्योरिटीज के और नरेंद्र तनेजा है एनर्जी मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कच्चे तेल की, क्रूड की, क्योंकि आप देखिए कि पहले तो तेल कीमतों में गिरावट आई, उसके बाद दाम थोड़े से बढ़ गए। बढ़ इसलिए गए क्योंकि अमेरिका में थोड़ी सप्लाई को लेकर खबर आई कि वहां की कीस्टोन पाइपलाइन बंद हो गई, उसके बाद दाम बढ़े। अब उस पाइपलाइन में कामकाज शुरू हो गया तो दाम गिर गए। लेकिन ये तो शॉर्ट टर्म की बात है, लॉन्ग टर्म के लिए अब क्या क्रूड में एक बार फिर से तेजी के संकेत बनेंगे, इसको लेकर कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, पहले उस पर बात और फिर हम आपको एक्सपर्ट का व्यू सुनाएंगे बताएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और ओपेक ने 2023 में कच्चे तेल की दमदार डिमांड का अनुमान जताया है और IEA के 17 लाख बैरल रोजाना डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। ओपेक को 22.5 लाख बैरल रोज डिमांड बढ़ने का भरोसा ओपेक ने जताया है। और चीन में जो डिमांड है, ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट है कि चीन में डिमांड 6.8 लाख बैरल बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर डिमांड को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव आउटलुक आए हैं और जब डिमांड को लेकर पॉजिटिव आउटलुक आए हैं तो प्राइसेस को लेकर के भी अलग अलग रिपोर्ट्स आने लगी हैं। कुछ एजेंसी का मानना है कि $90 के ऊपर जा सकता है, कुछ का मानना है कि $100 के ऊपर भी भाव चला जाएगा। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन क्या है ये जानना समझना बहुत जरूरी है तेल को लेकर। और हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए नरेंद्र तनेजा एनर्जी मार्केट के एक्सपर्ट इस पर जुड़ रहे हैं। तनेजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसी साल आप देखिए 139 से घटकर क्रूड 80 के भी नीचे आ गया, लेकिन अब रिपोर्ट्स आ रही है कि 2023 में कच्चे तेल की दमदार डिमांड रहेगी। इस रिपोर्ट में आपको क्या दिखता है और क्या वाकई 2023 का साल कच्चे तेल का साल होने वाला है? देखिए, जो आपने जिक्र किया ओपेक, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये सब इनका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, तो इनके एनालिसिस को मैं बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता, बहुत ध्यान नहीं देता। हमको देखना यह है कि हालात किस तरह के बन रहे हैं। लगता यह है कि यूक्रेन का युद्ध जो है ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब कोई बहुत बड़ा विस्फोटक स्थिति वहां पैदा नहीं होगी। और दूसरी तरफ जो है प्राइस कैप वगैरह लगा है, इसका इम्पैक्ट होगा, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो पाएगा ऐसा भी अब नजर नहीं आता है। तो जब हम ये देखते हैं 2023 को, ये भी बात सच है कि 2023 में जो ग्लोबल GDP ग्रोथ है वो थोड़ा नीचे की तरफ आएगी। मतलब ये माना जा रहा है आमतौर से कि जो विकसित अर्थव्यवस्था है उनमें जो है वो ग्रोथ जितनी थी उतनी नहीं होगी, उससे कम होगी। मतलब ये मंदी का साल रहेगा, खासतौर से जनवरी से लेकर के और जुलाई तक। अगर ऐसा होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो डिमांड है उसमें बढ़ोतरी तो होगी, क्योंकि कुल मिलाकर के 1.5% की जो ग्रोथ होगी वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिमांड के अंदर विश्व में, चाइना के अंदर ज्यादा होगी। और भारत में मुझे लगता है कि कहा तो 3% जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि 2% की ग्रोथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिमांड में बढ़ेगी। जिस हिसाब से एयरपोर्ट, बस अड्डे, ट्रेन स्टेशन सब भरे पड़े हैं, तो कोई ताजुब की बात नहीं होगी अगर 2.5% की ग्रोथ हो जाए। अगर ऐसा होता है, जिसकी काफी उम्मीद है, तो जाहिर है कि दुनिया में जो डिमांड है वो बढ़ेगी। अब उसका नतीजा कीमतों में जो होगा, मुझे ऐसा लगता है कि $95 से लेकर के $100 बैरल, ये ब्रेंट के लिए हमें इसके लिए तैयार होना चाहिए। इससे ज्यादा हो पाएगा मुझे नजर नहीं आता, कोई कैटास्ट्रॉफी हो जाए तो एक अलग बात है। तो मुझे लगता है कि $95 से लेकर $100 पर बैरल ये एवरेज रहेगा 2023 का एवरेज। लेकिन 2024 में कीमतें जो है वो 110 से ऊपर जाएंगी, क्योंकि तब तक जो है सारी स्थिति नॉर्मल हो चुकी होंगी और जो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है तेल की खोज में, तेल के उत्पादन में जो काफी बड़ा है, उसकी जो कमी है बाजार को खलेगी, डिमांड बढ़ेगी और उतनी सप्लाई नहीं होगी। तो 2024 जो असली साल होगा जब तेल की कीमतें बढ़ेगी, लेकिन 2023 में बढ़ेंगे लेकिन $95 से लेकर के और $100 के बीच में है। अच्छा, तो ये जो आपने कहा कि 95 से $100 के आसपास का भाव रहेगा 2023 में, और जो बात आपने कही है उसी के आसपास जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है उनका भी जो टारगेट है उसी के आसपास है। आप देखिए, बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा है कि $90 के स्तर को कच्चा तेल छू सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने $92 का टारगेट दिया है 2023 के लिए। JP Morgan कह रहा है कि एवरेज प्राइस 90 के आसपास रहेगा, तो आपका प्राइस का टारगेट भी उसी के आसपास है। लेकिन अब मैं एक बात आपसे ये पूछना चाहता हूं तनेजा जी, कि
सप्लाई को लेकर क्या सिचुएशन बन रहा है, क्योंकि रूस पर प्राइस कैप लगा, उसको कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा क्योंकि उससे थोड़ा ही ऊपर भाव पर रूस कच्चा तेल बेच रहा है। तो डिमांड तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि डिमांड जिस तरह से रहेगी उसका उसका उसके आधार पर प्राइस ये रहेगा 95 से 100, लेकिन सप्लाई का सिचुएशन क्या रहने वाला है सर? अच्छा प्रश्न है। मुझे लगता है कि सप्लाई साइड में जो है, अगर आप देखें तो रूस का तेल के बाजार में थोड़ी बाधाएं शुरू हो जाएंगी, खासतौर से जो सेकेंडरी सैंक्शंस हैं। सेकेंडरी सैंक्शन से मेरा तात्पर्य रहेगा जो इंश्योरेंस कंपनीज के माध्यम से लगेंगी और शिपिंग कंपनीज के बाद, उसका असर तो होगा, 100% नहीं होगा लेकिन जो है अगर 30 से लेकर 35% भी होता है तो सप्लाई दुनिया के अंदर उसमें थोड़ा फर्क आएगा। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि रूस नए रास्ते भी ढूंढ सकता है, और अगर युद्ध में थोड़ी शांति होने लगती है तो हो सकता है सैंक्शन बरकरार रहे, लेकिन रूसी तेल के ऊपर जो प्रतिबंध है उन पर पश्चिम के देश जो है थोड़ा सा लचीला रवैया अपनाए, जिसका मतलब ये हुआ कि रूसी तेल बाजार जो है वो ज्यादा मात्रा में आ पाएगा। दूसरी बात यह है कि ओपेक खासतौर से सऊदी अरब और ईरान, इन्होंने उत्पादन बढ़ाने की तैयारी शुरू कर रखी है। अमरीका ने भी उत्पादन बढ़ाने की बात करी है। वेनेजुएला का तेल जो है थोड़ा और बाजार में आने लगेगा क्योंकि उसका तेल अमरीका में जाना शुरू हो चुका है। इसके अलावा नाइजीरिया ने भी कहा है कि वो अपना उत्पादन थोड़ा बढ़ाने की स्थिति में है, और अगर ओपेक और नॉन ओपेक ये दोनों अपना थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन भी बढ़ाते हैं, और दूसरी तरफ लीबिया का तेल वो भी बाजार में आने लगता है, तो सप्लाई साइड में कोई चिंता वाली बात नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ग्लट होगा, लेकिन जो है वो चिंता की बात नहीं होगी। यही कारण है कि आज अगर तेल की कीमतें कम है, उसकी सबसे बड़ी वजह है जो बड़े ट्रेडर्स हैं जो बल्क में खरीद, वो अभी नहीं खरीद रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, तो इसका यही नतीजा है कि उनकी तरफ से डिमांड नहीं आ रहा, वो सबसे ज्यादा खरीदार मार्केट में वही होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में वो मार्केट में एक्टिव हो जाएंगे, और एक्टिव होंगे तो वो हरकत उनकी जो है वो कीमतों में रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाए। लेकिन डिमांड सप्लाई में कोई बड़ी कंस्ट्रेंट नहीं, डिमांड में थोड़ी सी बढ़ोतरी, इसीलिए बैंक ऑफ अमेरिका आईए वगैरह बोल रहे हैं, लेकिन मेरा मानना 95 और 100 डॉलर ब्रेंट का ये एवरेज अगर हम लेके चलते हैं 2020 पूरे साल का एवरेज है, तो मुझे लगता है कि उम्मीद यह है कि यही इसी के आसपास घूमेगा। अब कोई जियोपॉलिटिकल ट्रिगर हो जाए, कहीं पर कोई दोबारा कोविड जैसी स्थिति हो जाए, वो फिर अन्य कारण होते हैं, उनको तो हमने अलग रखना होता है। ठीक बात है। चलिए बहुत शुक्रिया आप तनेजा जी आपका जुड़ने के लिए और कच्चे तेल पर ये डिटेल व्यू देने के लिए। लेकिन आज के लिए ट्रेड अगर लेना हो अनुज जी कच्चे तेल में, आज इस वक्त कच्चा तेल एमसीएक्स पर डाउन है, नीचे है, इस गिरावट के मार्केट में आज क्या ट्रेड आप देख रहे हैं क्रूड में, आज क्या करना चाहिए? मधुजा जी गुड मॉर्निंग। देखिए क्रूड अगर देखें तो सेंटिमेंटल थोड़ा सा नेगेटिव ही है इसका भी, क्योंकि जिस तरीके से यूएस की जो लास्ट इन्वेंटरी आई थी उसमें काफी हद तक हमने स्टॉक प्राइस बढ़ते हुए देखे थे, और जिस तरीके से हम रिसेंटली पूरे कमोडिटी मार्केट में गिरावट देख रहे हैं आफ्टर फेडरल बैंक का स्टेटमेंट के बाद, चाहे इक्विटी हो चाहे कमोडिटी हो चाहे बेस मेटल हो, सभी के अंदर एक नरमी का ट्रेड देख रहे हैं, तो एक सेंटिमेंटल थोड़ा सा यहाँ पर एक नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। फ्यूचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर मुझे लगता है कि करीबन 6330 में बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं, 6480 पे स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट नीचे करीबन 6200 तक हो सकता है। वहीं अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो 6000 का कॉल पुट ऑप्शन जो है करीबन 220 के आसपास चल रहा है, तो जो है 6000 के पुट ऑप्शन में खरीदारी करें 220 के आसपास में, 163 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर में 300 तक देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन के थ्रू 6000 का पुट ऑप्शन बाय करें, और अगर फ्यूचर में ट्रेड करना है तो 6330 के आसपास बिकवाली का ट्रेड इंट्राडे के लिए बना सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल पर कि आपको क्रूड में अभी करना क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सोने और चांदी की। बड़ी तेजी के बाद गोल्ड और सिल्वर का मार्केट नीचे आया है, और आप देखिए कि जिस तरह से अमेरिका में महंगाई के आंकड़े आए, घटकर आए, अनुमान से कम आए, उसके बाद बड़ी तेजी आई, लेकिन फेड की कम्युनिटी ने मार्केट की तेजी को रोकने का काम किया है। फेड ने आगे भी दरों में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। आज एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव करीब 30-35 रुपए नीचे है और 54,000 के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो पटनायक जी, गोल्ड का मार्केट इस वक्त आपको ट्रेड के लिहाज से कैसा लग रहा है, और आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 54,000 के आसपास के भाव पर क्या ट्रेड आपको बनता हुआ दिख रहा है? मिथुन जी, मुझे तो लगता है कि मंदी थोड़ी बनी रहेगी, टेक्निकली मैं ये बात कर रहा हूँ। जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स है मेरे को तो बुलिश तभी भी लग रहा है, कहीं 53,500 के आसपास आता है प्राइस, तो वापस लॉन्ग टर्म बेसिस पे लॉन्ग कर सकते हैं। बट इंट्राडे बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ, यदि एक बार बाउंस बैक आता है अराउंड 54,200 पे, वहां पे इंट्राडे के शॉर्ट करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 54,400, टारगेट मेरा 54,000 है, मेरे को अभी ब्रीच करते हुए नहीं दिखता है, पर यदि वो ब्रीच कर देता है तो फिर जैसे हम लोगों ने बोला नेगेटिव ट्रेंड में कंटिन्यू रहेगा टिल 53,500। और रही बात आपकी हो गई गोल्ड पर,
जी आप कह रहे हैं कि 54,000 के टारगेट के लिए 54,300 का भाव दिखे तो वहां पर बेचें। छोटा सवाल अनुज जी आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं, अभी मार्केट 5400 के नीचे है, अगर कोई ताजा भाव पर ट्रेड लेना चाहे, बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पर ट्रेड लेना चाहे, उनके लिए क्या ट्रेड आप देख रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? देखिए थोड़ा सा सेंटिमेंट नेगेटिव है जैसे कि हमने देखा है, तो मुझे लगता है कि बिकवाली का ट्रेड यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। हमें लगता है कि नीचे 53,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में 17-17 डॉलर तक के लेवल आ सकते हैं। तो करंट रेट मुझे लगता है कि थोड़ा एक इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर आपको दिन में देखने को मिल सकता है, तो बिकवाली का ट्रेड यहाँ पर सजेस्टेड है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि बिकवाली का ट्रेड यहाँ पर लेना चाहिए और आप भी कह रहे हैं कि मार्केट में यहाँ पर आपके लिए शॉर्ट करके ही ट्रेड बन सकता है। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि चांदी में आज आपको क्या करना चाहिए, मेटल में आपके लिए कमाई के मौके कहां पर बनेंगे और एग्री मार्केट में क्या कुछ हलचल है, इस पर बात ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है और अब आपको एक अहम खबर बता दें। खबर यह है कि गोल्ड बॉन्ड की अगली किस्त 19 दिसंबर यानी सोमवार से शुरू हो रही है और अगले पूरे हफ्ते आप गोल्ड बॉन्ड में निवेश के लिए आवेदन दे पाएंगे। 19 से 23 दिसंबर के बीच ये किस्त जो है वो रहेगी और ये ऐलान किया गया है और इसमें आप गोल्ड बॉन्ड खरीद पाएंगे। मिनिमम आप 1 ग्राम में भी गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो आपको 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट भी मिलेगी ऑनलाइन खरीदने पर और इस पर 2.5% का आपको सालाना ब्याज मिलता है। तो ये आपके लिए एक नई खबर। अगर आप गोल्ड में पैसा लगाना चाहते हैं तो गोल्ड बॉन्ड के तौर पर एक नया विकल्प जो अलग अलग सीरीज के जरिए जारी हो रहा है, उसकी अगली सीरीज सोमवार से शुरू हो रही है और ये शुक्रवार तक चलेगी। इन 5 दिनों में आप बैंक पोस्ट ऑफिस पर ये के जरिए आप इसे ले सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने पर आपको 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब फटाफट बात करते हैं चांदी की, सिल्वर की। पटनायक जी, सिल्वर में आज क्या करें, संक्षेप में बताएं सर। हाँ, सिल्वर बाउंस बैक करता है 68,000 के लेवल्स पे, वहां पे हम लोग शॉर्ट करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगाई है 68,400 और टारगेट रहेगा 67,400 का। ओके अनुज जी, आज के लिए मेटल में आपकी टॉपिक। मेटल में देखिए बिकवाली का ट्रेड रहेगा, कॉपर में बिकवाली कर सकते हैं करीबन 708 में, स्टॉप लॉस 714 का रहेगा, टारगेट 698 तक देखने को मिल सकता है। ओके, एग्री में कोई कॉल अनुज जी आज के लिए? देखिए एग्री में कॉटन सीड ऑयल केक में मुझे लगता है खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में, करीबन 2700 के आसपास 2640 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 2780-2800 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, और अब आपको एक खबर और बता दें। खबर यह है कि चीनी एक्सपोर्ट कोटा को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। ताजा खबर यह है कि जनवरी में सरकार चीनी एक्सपोर्ट का कोटा बढ़ा सकती है और 2022-23 के लिए ऑलरेडी 60 लाख टन का कोटा जारी हुआ है, इसमें और इजाफा हो सकता है। उत्पादन और डिमांड की सिचुएशन का रिव्यू करने के बाद यह फैसला लिया जाएगा और 2021-22 में 111 लाख टन का एक्सपोर्ट हुआ था और 2022-23 में 410 लाख टन का उत्पादन संभव है, ये इस माह का अनुमान है। तो बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका, पटनायक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज के बाजार में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।